वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस है। जज शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गंडापुर का केस सुनने से मुआजत कर ली है। तफसीलात क्या है जानेंगे फारूक इजाज से। फारूक, क्यों मुआजत की गई है? जी बिल्कुल, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने की है। जो अली अमीन गंडापुर के वकील हैं राजा दौरुल हसन, उन्होंने अली अमीन गंडापुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त अदालत में पेश की। उन्होंने अदालत में ये मौकफ इख्तियार किया कि रियासत ने आज जीडी रोड और मोटरवे बंद कर रखी है। रियासत चाहती है कि अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी हों। वकील राजा दौरुल हसन का यह कहना था कि जानबूझकर अली अमीन गंडापुर को अदालत पेश होने नहीं दिया जा रहा। जज शाइस्ता कुंडी ने इस्तिस्ना किया कि क्या आपके पास हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं होते। इसके अलावा जज शाइस्ता कुंडी का यह कहना था, ये भी इस्तफार किया कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में है या लाहौर में है। वकील राजा दौरुल हसन ने अदालत को बताया कि उनका ये ख्याल नहीं है कि अली अमीन गंडापुर लाहौर के जलसे में जाएंगे। वकील राजा दौरुल हसन ने ये मौका इख्तियार किया कि अदालत रास्ते खुलवाए, अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश हो जाएंगे। इसी दौरान जज शाइस्ता कुंडी की जानब से मीडिया से ये कहा गया कि वो कमरा अदालत से बाहर जाएं, तो वो वकील के साथ अलहदगी में एक बात करना चाहती हैं। वकील की मौजूदगी में जज शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गंडापुर का केस सुनने से माजरत की। वकील की जानब से ये बताया गया कि जज शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गंडापुर का केस सुनने से माजरत कर ली है और इस केस को वापस सेशन जज को भिजवा दिया गया है। अब सेशन जज किसी और जज को ये केस अब मार्क करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फारूक इजाज़ तफसीलात के लिए।